जब से प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव ने स्मार्ट सिटी को लेकर मंच से कटाक्ष किया है, तब से विपक्षी सहित अन्य दलों की भी आंखें इस मुद्दे को लेकर खुली हैं और वो भी अब स्मार्ट सिटी की कारगुजारियों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन सागर स्मार्ट के सीईओ को हटाने की मांग को लेकर शिवसेना संगठन ने किया, जिन्होंने सीईओ राहुल सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। राज्य सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर फंड भेजा हुआ था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल सड़कें खोदी जा रही हैं, बनाई नहीं जा रही। आप शहर का भ्रमण करके देखिए, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढों में तब्दील ना हुई है। ना यहाँ पर रोड है, ना नाली है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना तालाब पर कोई ध्यान दे रहा है। इसलिए आज शिवसेना संगठन स्मार्ट सिटी राहुल सिंह को हटाने के लिए आया था, और अगर राहुल सिंह को नहीं हटाया जाता है तो आगामी ये मुख्यमंत्री का दौरा है तो शिवसेना उग्र प्रदर्शन कर उन्हें काले झंडे दिखाएगी। सागर से ईएमएस टीवी के लिए नीरज वैद्यराज की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।